ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 17 सितंबर शुक्रवार आज के कर्क राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। तो आज का दिन आपकी इनकम बढ़ाने वाला दिन साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से अच्छे बेनिफिट की उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई बड़ा बेनिफिट आपका इंतजार कर रहा है, उसके लिए प्रयास करें। इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। बिजनेस के लिए ये दिन बेहद अच्छा रहेगा, आपके काम सफल होंगे, साथ ही साथ अच्छा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र से रुकावटें दूर होंगी, एक नए समय की शुरुआत होगी। आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, आपके श्रेष्ठ कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर कोई कार्य साझेदारी में करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ होगा और समाज में उनकी प्रशंसा होगी। भाग्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आएगी। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो उसके वापस मिलने के योग रहेंगे। यह दिन आपके लिए बेहद ही रोचक रहेगा। आज आप अपने निजी जीवन को एंजॉय करेंगे, आपके प्रिय से आपकी निकटता बढ़ेगी, लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपको अपने घर के बारे में सोचने की स्थिति में लाएगा। घर परिवार में चल रही स्थितियों में थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे जी हां दोस्तों, और उनके बारे में कुछ ठोस निर्णय भी आप लेंगे। ससुराल से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। आज आप काफी खुश रहेंगे जिससे आपकी मानसिक परेशानी कम हो जाएगी। भाई बहनों से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन साथी से खुश नजर आएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, माता का आशीर्वाद भी समय में आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशे जातकों के लिए परिवर्तन का समय होगा। जी हां दोस्तों, घर परिवार में चल रही परेशानियां इस समय समाप्त हो जाएंगी। आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा, धन के लेन देन में थोड़ी बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, उधार दिया हुआ धन फंस सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अपने सीनियर से कष्ट मिल सकता है। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के जोश में आकर होश खोना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, थोड़ी बहुत सावधानी बरतें। घर परिवार में चल रही छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग में अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा न करें। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी को समय दें। जीवन साथी के साथ बने रहने से आपको अनुकूलता महसूस होगी और सुकून महसूस होगा। इस समय जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा होगा, लव पार्टनर के साथ संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में चल रहा उतार चढ़ाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, मौसम जनित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें, नियमित योग करें, प्राणायाम करें और व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, माता लक्ष्मी को मिश्री और एक मुखी नारियल अर्पित करें और नारियल और मिश्री का प्रसाद भी बांटें, साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय।